Hello everyone, welcome you all in Anthropology Inside classes. And today's lecture is based on the topic Mesolithic culture of India. So let's start. Mesolithic culture in India. The Mesolithic culture started like in Europe and Africa after the whole Pleistocene age ends. Means after the Pleistocene age ends, then the new epoch started, that is the Holocene. And in early period of Holocene, there was a culture that is Mesolithic culture. And this Mesolithic culture comes in between the Paleolithic and Neolithic culture. So that is why it is known as Mesolithic, that is the Middle Stone Age culture. And it is a pre-agriculture period, means before the agriculture started, there was a period that is known as Mesolithic culture. And it is also pre-pottery culture. Means ये pre-pottery culture भी माना जाता है, but here we have some remains of pottery from the Mesolithic India, but because अभी early pottery जो है वो इतना crude form में develop हुई थी, that is why not so much pottery is found from the Mesolithic India. That's why it is known as pre-pottery culture, pre-agriculture period, because it was before agriculture started. And here we get the evidence of both hunting-gathering economy, fishing-fowling economy, along with the sedentary lifestyle. तो यहाँ पर हमें हंटिंग गैदरिंग के साथ, जैसा कि पैलियोलिथिक कल्चर में वी फाउंड दैट द इकोनॉमी वाज हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी, बोथ लार्ज गेम हंटिंग एंड स्मॉल गेम हंटिंग, मींस बिग गेम हंटिंग एंड स्मॉल गेम हंटिंग दोनों ही पाए जाते थे. गुड मॉर्निंग प्रांजल. एविडेंस ऑफ बोथ हंटिंग एंड, तो हियर ऑल्सो वी फाउंड द हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी विथ फिशिंग फाउलिंग इकोनॉमी. अ न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमी वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द मीजोलिथिक कल्चर. And why it was like this new type of economy? Because of the change in climatic conditions. Because in the change in the climatic conditions, environmental conditions changed during the Holocene culture, Holocene epoch. तो क्योंकि जो प्लिस्टोसीन एज, दैट वाज आल्सो नोन एज आइस एज, जिसको हम आइस एज भी कहते हैं, तो उस समय द होल मींस जो पूरा लैंड था वो कवर्ड था, मींस माउंटेन रेंजेस वो सब ग्लेशियर से कवर्ड होती थी, तो उसको आइस एज कहा गया. बट आफ्टर प्लिस्टोसीन अ न्यू इपोक स्टार्टेड, दैट इज द होलोसीन, मींस इट इज एन इंटरग्लेशियल पीरियड. एंड इसके साथ ही जो क्लाइमेट था वो वार्म होने लगा, क्लाइमेट वार्म कंडीशंस होने लगी, और जिससे कि जो ग्लेशियर्स थे दे स्टार्टेड मेल्टिंग, वो मेल्ट होने लग गए, और फिर दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द सी लेवल. और उससे क्या हुआ कि सी लेवल राइज किया, वाटर रिसोर्सेज इंक्रीज किए, एंड ऑल्सो रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन फॉरेस्ट लैंड, तो फॉरेस्ट एरिया भी इंक्रीज किया. तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वाटर रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमी फिशिंग एंड फॉलिंग स्टार्टेड अलॉन्ग विद द सीडेंट्री लाइफ स्टाइल. मीन्स अब क्योंकि एक्वेटिक लाइफ में तमाम ऐसे जो वाटर में लाइफ होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश और अदर काइंड ऑफ एनिमल्स, टर्टल, टॉर्टोइस एटसेट्रा, दे वेयर मीन्स हंटेड बाय द पीपल ऑफ दैट टाइम. एंड फाउलिंग भी स्टार्ट हो गई क्योंकि बर्ड्स भी होती थी, एक्वाटिक बर्ड्स एंड ऑल्सो द बर्ड्स इन द फॉरेस्ट एरिया, तो और कुछ स्मॉल एनिमल्स होने मीन्स पाए जाने लगे, जिसकी जिसको कि उन्होंने हंट करना शुरू किया. तो बिग गेम हंटिंग से स्मॉल गेम हंटिंग, और जिसमें कि मेनली फिशिंग एंड फाउलिंग इकोनॉमी स्टार्ट हो गई. एंड हियर ऑल्सो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल स्टार्टेड. Why sedentary lifestyle started? Because of the animal domestication. So they started domesticating the wild varieties of animals. तो पहले जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको ही उन्होंने कुछ डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, जिसको बाद में वो मीट या उनको खा लेते थे, मींस कुक करके. तो इस तरह उन्होंने डोमेस्टिकेट, या मिल्क प्रोडक्ट्स देते थे,
या स्किन हाइट्स भी उन्होंने उनसे मींस प्राप्त की। तो इस तरह उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और अभी एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं है, बिकॉज वी हैव नो रिमेन्स ऑफ एग्रीकल्चर, आई मीन्स सीरियल्स या इस तरह के, या कोई एग्रीकल्चर टूल्स भी हमें नहीं मिलते। दैट इज वाई इट इज प्री एग्रीकल्चर पीरियड। एंड हियर वी फाउंड बोथ केव साइट्स एंड ओपन एयर साइट्स। तो बिकॉज ऑफ द फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन केव एंड ओपन साइट्स, ये एज्यूम किया जाता है कि दे वेयर बोथ केव ड्वेलर्स एंड ऑल्सो ओपन साइट ड्वेलर्स। हियर वी गेट द सम एविडेंस ऑफ हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स, एंड दीज हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स आर बोथ टाइप, सेमी परमानेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट्स। मीन्स सीजनल वो माइग्रेशन करते रहे होंगे कुछ वजहों से, कहीं और पर जाकर वो इकोनॉमी मीन्स अपने को सर्वाइव करने के लिए कुछ और करते रहे होंगे, आसपास की जगहों में जाते रहे होंगे। तो उन्होंने कुछ हट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिसमें वो एक सीजन के बाद फिर आकर रहते थे। और केव्स में तो रहते ही थे, सीजनल कैंप्स में, केव्स में भी रहा करते थे। कुछ हट लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए थे उसमें वो रहा करते थे। और कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स भी मिले हैं जो अर्बन साइट के नजदीक पाए गए, कुछ ऐसे साइट्स वहां पर हमको कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स भी मिलते हैं। तो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ सम हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स, एंड दिस शोज दैट दे स्टार्टेड सिडेंटरी लाइफ। तो ये जो हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स हैं यही हमें प्रमाण देते हैं कि वो सिडेंटरी लाइफ स्टाइल वहां पर शुरू हो गई थी, स्टैटिक लाइफ शुरू हो गई थी, जो कि अर्लियर वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे और नोमैडिक होते थे। बट हियर वी गेट द एविडेंस ऑफ सीडेंटरी लाइफ, एंड हियर वी आल्सो गेट द एविडेंस ऑफ न्यूमरस रॉक पेंटिंग्स एंड केव आर्ट। मीन्स ड्यूरिंग द मीन्स अगर इंडिया के केस में देखें तो फ्रॉम द लोअर पैलेथिक या यूरोप में भी लोअर पैलेथिक से ही आर्ट के कुछ फॉर्म्स मिलते हैं, मीन्स पेबल्स में या दूसरे टूल्स में, ऑर्नामेंट्स में। बट जो अर्ली जो केव पेंटिंग्स मीन्स रियल में अगर केव आर्ट की शुरुआत मानी जाए, दैट वाज ड्यूरिंग द अपर पैलेथिक पीरियड। एंड इन ऑल्सो सम मीजोलिथिक साइट्स वी गेट द एविडेंस ऑफ द रॉक पेंटिंग्स एंड केव आर्ट, एंड ऑल्सो सम मोबाइल आर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। इन टाइम पीरियड इन इंडिया इज 10,000 और 6,000 BC टू 5,500 BC और 4,000 BC। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड है दैट बिलोंग्स टू द मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन्स इन होल इंडिया, मीन्स पूरे इंडिया में आपको ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी में हमको कुछ कुछ जगहों में हमको मीजोलिथिक कल्चर के प्रमाण मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन वेस्ट इंडिया फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, तिलवाड़ा और बागौर साइट्स मिलते हैं। देन इन सेंट्रल इंडिया वी गेट द भीमबेटका एंड आदमगढ़ से हमें साइट्स मीन्स मीजोलिथिक प्रमाण मिलते हैं। देन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सराय नाहर राय इन उत्तर प्रदेश, वी गेट द एविडेंस ऑफ मीजोलिथिक कल्चर। फ्रॉम ईस्ट इंडिया बिहार बुरहानपुर एंड फ्रॉम उड़ीसा वी गेट पैसरा इन बिहार एंड वीर भानपुर इन वेस्ट बंगाल। तो ये सब हमें कुछ है ही फ्रॉम उड़ीसा, इससे हमको कुछ प्रमाण मिलते हैं। देन साउथ इंडिया से टेरी साइट्स तमिलनाडु की और संगनकल्लू कर्नाटक। तो ये सारे जो हमें प्रमाण मिलते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया ऑफ मीजोलिथिक कल्चर। तो जैसा कि साइट्स हमने बताई थी, तिलवाड़ा, बागौर, लंगनाज, आदमगढ़, भीमबेटका, लेखनिया, मुरहाना पहाड़, बघई खोर, चोपानी मांडो, घघरिया, दमदमा, सराय नहर राय, कुछई, बीर भानपुर, सोरापुर दोआब, संगनकल्लू एंड टिहरी साइट्स। तो दीज आर द वेरियस साइट्स विच बिलोंग टू दिस मीजोलिथिक कल्चर इंडिया। एंड द एविडेंस वी गेट द टूल टाइप्स, जो बेसिकली टूल टाइप्स जो मीजोलिथिक कल्चर को कैरेक्टराइज करते हैं, दीज आर द माइक्रोलिथिक टूल्स। मीन्स स्टिल देर आर फ्लेक टूल्स, यहाँ पर भी आपको फ्लेक टूल्स के प्रमाण मिलेंगे। वी गेट द एविडेंस ऑफ फ्लेक टूल्स अलॉन्ग विद द माइक्रोलिथिक टूल्स। तो माइक्रोलिथिक टूल्स एज इट्स नेम शोज दैट माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो स्मॉल स्टोन्स में जब टूल्स बनाए जाने लगे तो दैट इज नोन एज माइक्रोलिथिक्स। दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, मीन्स ब्लेडलेट्स पे बनाए जाते थे, मीन्स द साइज इज लेस देन 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड लेस देन 12 mm इन विड्थ।
तो ब्लेड से भी छोटा होता था, दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लेडलेट्स। और कुछ ब्लेड्स पे भी टूल मिलते हैं, जैसा कि अपर पार्थिक टूल्स ब्लेड्स पे पाए जाते थे, वैसे यहाँ पर भी हमको फ्लेक एंड ब्लेड टूल्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द माइक्रोलिथिक टूल। एंड माइक्रोलिथिक टूल्स बिलोंग्स टू टू टाइप्स, ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक। तो माइक्रोलिथिक टूल्स हमको ज्योमेट्रिक भी मिलते हैं और नॉन ज्योमेट्रिक भी मिलते हैं। तो यस यस हार्टिंग टेक्निक वॉज डेवलप इन इंडिया दिस कल्चर बिकॉज वी हैव सम स्पीयर, जो हंटिंग के लिए स्पीयर यूज किया जाता है। तो स्पीयर हेड्स के मीन्स एक ही ऐसा होता है मीन्स हेड, पर यहाँ पर हमको मल्टीपल जो है बार्ब्स मिलते हैं स्पीयर हेड्स में। और ऐसा माना जाता है कि दीज वे मेड विद माइक्रोलिथ बाय अटैचिंग माइक्रोलिथ बाय हाफ्ट इन हियर वी गेट द हाफ्टिंग टेक्निक, जैसे कि यूरोप में भी हमको मिलता है हाफ्टिंग टेक्निक के प्रमाण, तो यहाँ पर भी हमको मिलते हैं। और स्पीयर में मल्टीपल बार्ब्स जो कि हार्पून्स था, ये अपर पैलिथिक यूरोप या मीजोलिथिक यूरोप में हार्पून्स मिलता था, सेम वैसा ही कुछ यहाँ पे, क्योंकि वी हैव नो एविडेंस ऑफ हार्पून्स हियर इन केस ऑफ इंडिया, बट वी गेट द एविडेंस ऑफ वुड एंड स्पीयर जो कि मल्टीपल बार्ब से बनाया जाता था। और यहाँ पर हमने शायद ये माइक्रोलिस अटैच किए थे, और इसी वजह से यहाँ ये तो माइक्रोलिस टेक्नोलॉजी की यही खासियत है, यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी इज दैट विद इन फ्यू मिनट्स अ न्यू काइंड ऑफ टूल कैन बी मेड। तो यहाँ पर कुछ, क्योंकि ये जो छोटे माइक्रोलिथ्स थे बहुत आसानी से स्टोन्स को कई टुकड़ों में काट कर बनाए जा सकते थे, तो इनमें कोई विशेष टेक्निक नहीं लगती थी। कुछ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स को बनाने में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती थी, बट नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स लाइक पॉइंट्स और स्मॉल ब्लेड्स जो किसी भी साइज के हुआ करते थे, तो नॉन ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स जिसमें कि ट्राइंगल्स हैं, ल्यूनेट्स हैं जिसमें कि वो सेमी सर्कुलर ल्यूनेट्स, और इस तरह ट्रेपीजियस जो कि दो पैरेलल बॉर्डर्स के साथ ट्रेपीजियस, तो इस तरह कुछ माइक्रो ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स एंड सम नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स वेयर अटैच टू मेक अ न्यू टूल। सिकल्स बनाए गए, जैसा कि हमने जो यूरोप के केस में भी बताया था कि सम पॉइंट्स और ये ट्राइंगल्स वेयर यूज्ड, यहाँ पर हाफ्ट कर दिए थे, अटैच कर दिए थे विद हेल्प ऑफ सम स्टिकी मटेरियल, एंड देन अ न्यू काइंड ऑफ टूल इज मेड। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोलिथ कुछ बिग साइज के वो टूल बना जाते थे जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए या प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर मीन्स नेक्स्ट स्टेज एग्रीकल्चर। तो ये शो करता है कि दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, तो इस तरह माना जाता है कि इस काइंड के टूल हो सकता है एग्रीकल्चर की वो प्रिपरेशन कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए जो फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि उन्हें हैबिटेशन स्ट्रक्चर भी बनाना होता था। अभी उनकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल शुरू हो चुकी थी, तो हैबिटेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ेगा और वहां पर हैबिटेशन बनाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन चल रही थी क्योंकि इट इज अ प्री एग्रीकल्चर स्टेज, दैट्स व्हाई दे आल्सो क्लियर द फॉरेस्ट एरिया फॉर प्रिपेयरिंग अ लैंड दैट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इस तरह के टूल्स उन्होंने माइक्रोलिथ से बनाए होंगे। और यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है मेटीरियल, रॉ मेटीरियल इज नॉट वेस्टेड बिकॉज स्मॉल माइक्रोलिथ एक ही बड़े स्टोन में बहुत सारे आप माइक्रोलिथ तोड़ तोड़ कर बना सकते हैं, बट एक बिग हैंडेक्स या बिग कोर टूल बनाने में एक बहुत बड़ा स्टोन लग जाता था, और वो फिर अगर वो वॉर्न आउट हो गया मीन समय के साथ ओल्ड हो गया और फिर वो यूज में नहीं रहता था, वो वेस्ट जाता था। पर यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोलिस्ट, मान लीजिए यहाँ पर एक स्मॉल माइक्रोलिस्ट खराब हो गया, लगातार यूज करने के बाद ये घिस गया, इसकी जो पॉइंटेड एंड से वो खराब हो गया, तो वी कैन रिप्लेस दिस न्यू दिस स्मॉल माइक्रोलिथ विद अ न्यू माइक्रोलिथ। तो एक छोटा माइक्रोलिथ ले जाकर फिर से यहाँ पर हम लगा सकते हैं और फिर से ये पूरा टूल रेडी हो जाएगा। तो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ दिस माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ मीसोलिथिक कल्चर। तो मीसोलिथिक कल्चर में जो माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी थी उसकी यही खासियत थी और उसकी यही फायदे थे कि विद इन फ्यू मिनट्स वी कैन मेक अ न्यू टूल और बिग टूल बना सकते थे जिसमें कि स्पीयर और ये जो सिकल्स आते हैं।
और दूसरे भी टूल्स हम बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप्स ऑफ माइक्रोलिथ। और ये तो इस तरह ये रॉ मटेरियल सेव करता था जो कि पहले वेस्ट हो जाते थे, और दूसरा नया काइंड ऑफ टूल जो ओल्ड वंस को रिप्लेस करके न्यू वंस के साथ बनाए जा सकते थे। दीज आर द माइक्रोलिथ। देन रॉक पेंटिंग्स, वी फाउंड रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम वेरियस रॉक साइट्स, बिकॉज यहाँ पर रॉक शेल्टर्स भी मिले हैं हमको, केव साइट्स मिली हैं। और उन रॉक पेंटिंग्स में ये शो करता है कि वो फिशिंग इकोनॉमी करते थे, हनी कलेक्ट करते थे, नेट ट्रैपिंग होता था, स्मॉल गेम हंटिंग इकोनॉमी थी। तो दीज आर द एविडेंसेस विच वी गेट फ्रॉम रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम वेरियस साइट्स ऑफ मीसोलिथिक कल्चर इंडिया, एंड दे ऑल्सो गिव द एविडेंस ऑफ इंटर ग्रुप वॉरफेयर। तो इंटर ग्रुप वॉरफेयर का भी हमको प्रमाण मिलता है कुछ साइट से, जैसे कि सराय नाहर राय में मिलता है कि क्योंकि वहां पर एक जो बॉडी थी मीस बरियल में, उसमें एक माइक्रोलिथ उसकी रिब में फंसा हुआ था। तो ये शो करता है कि उसे मारा गया होगा, कुछ वारफेयर हुआ होगा, और इस तरह ये माइक्रोलिथ को यूज किया गया होगा, मीन्स स्पेयर से वो मारे होंगे किसी चीज से, तो जो उसकी रिब में वो जाकर माइक्रोलिथ फंसा हुआ था। तो इस तरह माना जाता है कि इंटर ग्रुप वारफेयर भी हुआ होगा, क्योंकि रॉक पेंटिंग्स में ऐसा कुछ चित्र में दिखाई दे रहा है। देन बरियल्स गिव द एविडेंस ऑफ कैनिबलिज्म। सराय नाहर राय में नहीं, मीन्स लंगनाज में हमको कैनिबलिज्म के प्रमाण मिलते हैं, एंड इंटर ग्रुप वॉरफेयर के सराय नाहर राय में मिलते हैं। तो लंगनाज में, क्योंकि वहां पर हेड में एक कट है, फोरहेड में एक कट पाया गया है बरियल में, दैट्स व्हाई इट गिव्स द एविडेंस ऑफ कैनिबलिज्म। माना जाता है कि वो मीन्स अपने ही लोगों को फूड की मीन्स इनसिक्योरिटी रहती होगी, तब वो खा लेते रहे होंगे। और इंटर ग्रुप वारफेयर का भी मिलता है, जैसा कि रिप्स मिलता है बरियल में, किसी भी एक स्केल्टन में एक रिप पाया गया है, और दैट्स व्हाई इट गिव द एविडेंस ऑफ इंटर ग्रुप वारफेयर। एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ टेक्सटाइल्स और क्लॉथ्स फ्रॉम इंडियन मीसोलिथिक साइट्स, बट ओनली एविडेंस ऑफ एनिमल हाइड्स इज फाउंड। तो ये माना जाता है कि वो एनिमल हाइड्स को ही एज ए क्लॉथ को यूज करते रहे होंगे। वेस्टर्न इंडिया साइट्स, तो फर्स्ट वी कम टू वेस्टर्न इंडिया साइट्स। एंड वेस्टर्न इंडिया साइट्स में सबसे पहले हम लेते हैं बागौर। बागौर इज द लार्जेस्ट माइक्रो मीसोलिथिक साइट फ्रॉम इंडिया, अ प्रोमिनेंट सैंड ड्यून ऑन द रिवर कोठारी। तो ये एक प्रोमिनेंट सैंड ड्यून है, सैंड का हीप जो होता है उस तरह ये एक साइट है, जो कि कोठारी रिवर पर है। कोठारी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बानस। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट लिथिक रिपर्टोरियर इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ऑल्सो इन द वर्ल्ड, एंड सेवरल थाउजेंड माइक्रोलिथ्स आर रिकवर्ड फ्रॉम दिस साइट। एंड टीनिएस्ट ऑफ माइक्रोलिथ्स सो फार नोन फ्रॉम इंडिया, दैट इज मेजरिंग 0.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो इसकी बहुत सारी खासियत है बागौर साइट की। सबसे पहला तो ये एक लार्जेस्ट मिसोलिथिक साइट है, दूसरा यहाँ पर टीनिएस्ट ऑफ माइक्रोलिथ, जो कि पूरे इंडिया में सबसे छोटे माइक्रोलिथ यहीं पर हमको मिलते हैं बागौर से, जो कि 0.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर लेंथ तक के हैं, जिसमें 1 to 2 सेंटीमीटर भी है, 0.5 to 1 सेंटीमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर बिगेस्ट साइज है और 0.5 से शुरू होते हैं, तो बहुत ही छोटे माइक्रोलिथ हमको मिलते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, मीन सेवरल थाउजेंड माइक्रोलिथ आर फाउंड फ्रॉम दिस साइट। तो ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूनिक फीचर है। एंड दिस साइट इज फाउंड इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, एंड इट वाज एक्सकेवेटेड बाय वी एन मिश्रा इन 1967। थ्री फेसेस वेर एक्सकेवेटेड, अर्ली फेस, मिडिल फेस एंड लेट फेस। लेट फेस द यंगर फेस, अर्ली इज द ओल्डेस्ट फेस, एंड दिस ओल्डेस्ट फेस हैज अ रेडियो एक्टिव कार्बन डेट ऑफ 5000 to 2000। देन मिडिल फेस डेट्स 2000 to 800 to 600 BC, एंड इन लेट फेस दैट इज यंगेस्ट फेस विद द 600 BC to 200, मींस अप टू आयरन एज ये चलता है, मींस चालकोलिथिक पीरियड भी आता है और आयरन एज तक ये पूरा बागौर की साइट से हमको सारे प्रमाण मिलते हैं। वी गेट द एविडेंसेज ऑफ मीसोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एंड ऑल्सो ऑफ आयरन एज फ्रॉम द सिंगल साइट ऑफ बागौर, बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ दीज थ्री फेजेस फ्रॉम बागौर।
फर्स्ट फेज गिव्स एविडेंस ऑफ मीसोलिथिक फेज, ये मीजोलिथिक फेज की एविडेंस देता है. व्हाई इट गिव्स अ मीजोलिथिक फेज, क्यों इसको मीजोलिथिक माना गया? बिकॉज हियर वी गेट द माइक्रोलिथ्स, हमको यहाँ पर माइक्रोलिथ्स मिलते हैं और माइक्रोलिथ्स गिव द एविडेंस ऑफ मीजोलिथिक फेज. और कुछ एनिमल रिमेन्स मिलते हैं. बट इन द नेक्स्ट फेज, जैसे जैसे हम दूसरी फेज की तरफ बढ़ेंगे तो हमको माइक्रोलिथ्स नहीं मिल रहे, यहाँ पर मिल रहे हैं कॉपर टूल्स विद द पॉटरी. And then in next phase, we get the iron implements with the wheel-made potsherds. Means, civilization शुरू हो चुका है, copper के बाद ही bronze age में ही civilization start हो जाता है. तो it belongs to the civilization phase, जो कि हड़प्पन civilization phase था. और third is the iron phase, जो iron culture, means megalithic culture होता है, उसके remains मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर iron implements मिल रहा है. तो इसी में आपको कॉपर टूल्स विद पॉटरी में ही आपका नियोलिथिक कल्चर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज सभी आ जाएगा, क्योंकि वी गेट द पॉटरी एंड ऑल्सो विद द मेटल टूल्स. तो ये नियोलिथिक कल्चर के भी प्रमाण देते हैं, कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज सभी के प्रमाण हमको फेज टू से मिलते हैं. तो नियोलिथिक एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज एंड देन थर्ड इज द आयरन एज, थर्ड वन इज द आयरन एज. तो ये तीन फेजेस. तो बागौर में हमको इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मीसोलिथिक, मींस अर्लीस्ट रिमेन्स आर ऑफ मीसोलिथिक फेज, देन मिडिल फेज शोज द नियोलिथिक कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज रिमेन्स, एंड द थर्ड फेज शोज द आयरन इम्प्लीमेंट्स विद द व्हील मेड पॉटर्स, मींस पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन हो गया है. और पॉटर व्हील का इन्वेंशन, जैसा कि आप जानते होंगे, कि सिविलाइजेशन फेज में हुआ था. तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है. तो इस तरह वी गेट दीज एविडेंसेस. एंड अदर एविडेंसेस आर स्टोन पाव्ड हैबिटेशन फ्लोर्स, स्टोन पाव्ड हैबिटेशन फ्लोर्स मिल रहे हैं न्यूमरस. और ये जो माने जाते हैं कि ये पास की नदी से, मीन्स जो रिवर कोठारी है वहां से ये लाए होंगे, और यहाँ पर उन्होंने हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स में जो है बहुत सारे स्टोन्स को बनाकर और एक सर्कुलर अरेंज, खासकर जितने भी आपको मीजोलिथिक साइट्स मिलेंगी उसमें सर्कुलर कुछ ये बनाते थे और वहां पर ही रहते थे. वहीं पर न्यूमरस हर्ब्स मिलती हैं, जो कुकिंग प्लेसेस होते हैं, जो जिसको कि हम चूल्हा कहते हैं हर्ब्स. और इस तरह की जो स्टोन हर्ब्स मिलते थे, ओवन कह सकते हैं, कुकिंग ओवन. तो इस तरह ये मिले. न्यूमरस बोन्स वाइल्ड स्पीशीज की मिलती हैं हमको, न्यूमरस बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज एंड ह्यूमन बरियल्स विद टाइनी पीसेस ऑफ हैंडमेड पॉटशर्ड्स. तो हैंडमेड पॉटशर्ड्स मिलते हैं और कुछ ह्यूमन बरियल्स मिलते हैं इनसाइड से, और पाव्ड हैबिटेशनल स्ट्रक्चर्स है स्टोन पाव्ड. तो इस ये शो करता है कि यहाँ पर इस तरह ह्यूमन बीइंग सेटल लाइफ रहते रहे होंगे. और 80% डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज है, लाइक शीप, गोट, बफेलो, हम्ड कैटल, पिग, ब्लैक बक, चिंकारा. तो ये कुछ वाइल्ड स्पीसीज थी, उनको उन्होंने मीन्स सेमी डोमेस्टिकेशन भी शो करता है, मीन्स वो सेमी डोमेस्टिकेट करते रहेंगे कि वो बाद में मीट पर्पस के लिए उसको यूज करते रहेंगे. और कुछ वो मिल्क भी देते हैं कुछ स्पीशीज, जिसमें शीप, गोट. शीप तो ये इसका वूल के लिए यूज होता है, पर गोट, बफेलो और कैटल जो है ये मिल्क या मीट दोनों के लिए यूज करते रहेंगे. और इस तरह तो कुछ हमको वाइल्ड स्पीशीज और प्योरली डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज मिलती हैं. टर्टवाइज एंड फिश के एविडेंसेस भी मिलते हैं. हियर वी गेट द फाइव बरियल रिमेन्स, वन बरियल फ्रॉम फेज वन एंड थ्री फ्रॉम फेज टू एंड वन फ्रॉम फेज थ्री. तो इस तरह फाइव बरियल रिमेन्स मिलते हैं. फेज वन शोज द बरियल इन एक्सटेंडेड पोजिशन. तो फेज वन में एक्सटेंडेड पोजीशन में दिखता है जो बरियल है, मींस जो मैन है वो लेटे हुए पोजीशन में सीधा दिखाई देता है. बट इन द नेक्स्ट बरियल्स फेज टू एंड फेज थ्री इट इज इन फ्लेक्स्ड पोजीशन, मींस ये मींस मुड़ कर लेटा हुआ, बेंट कर्व्ड या बेंट कह सकते हैं पोजीशन में है. और यहाँ पर तो इस तरह आपको बरियल में भी डिफरेंसेस शो करता है कि फर्स्ट फेज जो कि मीजोलिथिक फेज है, फर्स्ट फेज इज ऑफ मीजोलिथिक फेज एंड इट शोज द बरियल इन द एक्सटेंडेड पोजीशन विद लोअर लेफ्ट आर्म रेस्टिंग ओवर द बॉडी, रेस्टिंग ओवर द बॉडी एंड द हेड वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द वेस्ट, हेड वेस्ट की तरफ
फेस किया हुआ है, वाइल्ड टू एंड थ्री ब्यूरियल्स मीन्स फेज टू एंड थ्री जो कि नियोलिथिक चालकोलिथिक और आयरन एज से बिलोंग करते हैं, दे आर फाउंड इन फ्लेक्स्ड पोजीशन, मीन्स बरियल में भी चेंज आ गया है, आर्म्स एंड लेग्स फोल्डेड लाइक इन द स्लीपिंग पोजीशन एंड विद द हेड ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ईस्ट, हेड वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स वेस्ट इन द फेज वन एंड टुवर्ड्स ईस्ट इन द फेज टू एंड थ्री. And these burials contain the grave goods in large number like earthen vessels, means pottery millions, ornaments, metal objects, animal food, hollow base, copper arrowheads. No, during the Mesolithic, no Homo erectus. It was Homo sapiens. Because during the lower Paleolithic, we get the evidences of Homo erectus. जैसे कि लोअर पैलिथिक इंडिया से हमने बताया था कि नर्मदा जो वैली थी वहां पे हमको होमो इरेक्टस के प्रमाण मिलते हैं, वी गेट द एविडेंस ऑफ नर्मदा मैन और होमो इरेक्टस स्पीशीज फ्रॉम द नर्मदा वैली ऑफ ये सेंट्रल इंडिया. बट इन केस ऑफ मीसोलिथिक साइट, बिकॉज इन ऑल साइट्स हमको जो भी प्रमाण मिलते हैं दीज बिलोंग्स टू द होमो सेपियंस स्पीशीज. ओके ओके प्रांजल, इज इट क्लियर? So these burials are of Homo sapiens, not of Homo erectus, because Homo erectus belongs to lower Paleolithic. Okay. Then here phase 2 and 3 ये बताया गया कि यहाँ पर इस तरह हमको burial में थोड़ा change मिलता है और वो later burials में ये कुछ earthen vessels, ornaments और metal objects को भी रख देते थे body के साथ और कुछ टूल्स रख देते थे बेस्ड हॉलो कॉपर एरोहेड्स और इस तरह माना जाता है कि इट वाज रिपीटेडली ऑक्युपाइड अंटिल द मेडिवल पीरियड. तो मेडिवल पीरियड तक ये रहा होगा भागौर क्योंकि इसमें थ्री फेजेस हैं और ये पूरा आयरन एज तक चलता है. इट्स लोकल नेम इज महासती माउंट, महासती माउंट कहा जाता है इसको, अभी भी इसका नाम जो भागौर साइड का है दैट इज महासती माउंट. एंड एविडेंस ऑफ सीडेंटरी लाइफ शोन बाय द हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स, तो हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स पाए गए और दैट शोज दे लिव्ड मींस स्टैटिक लाइफ या हैबिट सेडेंटरी लाइफ को रहते थे. द नेक्स्ट साइट इज तिलवाड़ा एंड दिस साइट इज ऑल्सो इन राजस्थान, ये भी राजस्थान की साइट है बागौर की तरह. एंड ये खेतगढ़ विलेज इन पचपड़ा तहसील ऑन लूनी रिवर, यहाँ पर रिवर लूनी है वहां पर कोठारी थी और इट इज इन बामेर डिस्ट्रिक्ट, ये बामेर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में और थार डिजर्ट है यहाँ पर, मीन्स तिलवाड़ा जो साइट है वहां पर पूरा जो आस पास का एरिया दैट वॉज डिजर्ट एरिया. Or it was excavated by V. N. Mishra 1971. Two phases were found, early phase and late phase. Evidences are trapezes, lunates, triangles, points. So trapezes, lunates and triangles, these are the geometric microliths along with the points and parallel side bed. These non-geometric microliths and blade tools are also found with the fluted cores. Cores are also found. जो कि fluted fluting techniques से हमने बताया था कि कुछ फ्लूटेड कोर्स इस तरह इलांगेटेड ब्लेड जो है ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इसी को हम तो ब्लेड डिटैच होने के बाद फ्लूटेड कोर्स बच जाते हैं, तो इस तरह फ्लूटेड कोर्स भी मिलते हैं. तो क्योंकि मीसोलिथिक जो कल्चर है इसमें फ्लूटिंग टेक्निक को यूज करते थे फॉर मेकिंग टूल्स, ब्लेड टूल्स. तो यहाँ पर आपको प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक और फ्लूटिंग टेक्निक के प्रमाण मिल जाते हैं. देन हैबिटेशन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फाउंड हियर इन तिलवाड़ा विद द सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन, फायर हर्ट्स मिले हैं, चार्ड बोन्स मीन कुक्ड बोन्स मिले हैं, कुछ बर्न्ड या कुक्ड बोन्स मिले हैं जो कि इसका मतलब वो कुक करते थे मीट को, मीन्स एनिमल्स को कुक करके वो खाते थे, क्योंकि फायर कन्वेंशन तो लोअर पैलिथिक में ही हो गया था और उस समय शायद प्लिस्टोसीन एज थी तो वो बॉडी को वार्म करने के लिए फायर का यूज करते थे. बट इन लेटर स्टेजेस बिकॉज वी गेट द फायर हर्थ एविडेंस, क्योंकि हमको कुकिंग ओवन का प्रमाण मिलता है और इसीलिए वहां पर कुछ चार्ड बोन्स के भी प्रमाण मिलते हैं, इट शोज दैट दे कुक्ड देयर फूड, तो वो एनिमल्स को कुक करके खाते थे. और यंग या लेट फेज, जो अर्ली फेज द ओल्डेस्ट फेज, लेट फेज यंग फेज है और इट गिव्स द एविडेंस ऑफ मेटल एज with some bits of iron, glass beads and several wheel made pottery. तो यहाँ पे भी आपको नियोलिथिक और चालकोलिथिक कल्चर के प्रमाण मिलते हैं.
From the late phase, we get the evidence of Neolithic or Chalcolithic culture, but from the early phase, we get the evidence of this Mesolithic phase. Then come the Langnaj. Langnaj is an important site in Gujarat. ये गुजरात की साइट है, यहाँ पर जो महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, ये गुजरात में फ्यू 100 किलोमीटर साउथ ऑफ बागौर ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर साबरमती. हियर द रिवर इज साबरमती. साबरमती के वेस्टर्न बैंक में महसाना डिस्ट्रिक्ट में लंगनाज एक साइट है और इट वॉज एक्सक्वेटेड बाई एच टी संकालिया इन 1963 एंड ही एक्सक्वेटेड मेनी माइक्रोलिथिक साइट्स हियर. तो लंगनाज तो उन्होंने खोजा ही पर दूसरी साइट्स भी उन्होंने यहाँ पर खोजी जिसमें कि अखा जाती है. तो ये जो महसाना डिस्ट्रिक्ट एरिया है रिवर बैंक साबरमती अखज वलसाना हीरपुर एंड लंगना दीज फोर साइट्स आर मीन्स और भी खोजी पर इसमें जो चार मेन साइट्स है दीज आर अखज वलसाना हीरपुर एंड लंगनाज और जिसमें कि लंगनाज इज एन वेरी इंपॉर्टेंट साइट एंड लेटर सुब्बा राव लिस्टेड मोर देन 80 सच साइट्स in the same area. Subba Rao he listed more than 80 such sites in the same area of Mehsana in Gujarat and but Langnaj has received the maximum attention. Why Langnaj has received maximum attention? Because here we get the three phases, phase 1, 2 and 3 and jo later phase hai, it shows the evidence of रिलेशनशिप विद द हड़प्पन कल्चर क्योंकि यहाँ पर कुछ हमको हनी या हंटेड मीट के प्रमाण मिलते हैं और कुछ सीरियल्स मिलते हैं के प्रमाण मीन्स ग्रेन्स के एविडेंस मिलते हैं और ये शो करता है कि ये जो नेबरिंग अर्बन कम्युनिटी थी हड़प्पन कल्चर की वहां से ये ट्रेड करते रहे होंगे मीन्स एक्सचेंज करते रहे होंगे अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को उनके साथ और उनसे सीरियल्स ले लेते रहे होंगे हनी ले लेते रहे होंगे. तो इस तरह कुछ हमको हड़प्पन कल्चर से उनके रिलेशनशिप के प्रमाण मिलते हैं. एंड फेज वन एंड टू में जैसा कि क्योंकि माइक्रोलिथिक फेज है तो ये माइक्रोलिथ्स मिलते हैं बरियल्स एनिमल बोन्स क्रूड पॉटशर्स टैंक आयरन एरोहेड्स कुछ यहाँ पे आयरन एक एरोहेड भी मिल गई है स्टोन बीड मिला है फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन क्वन. तो क्योंकि वो ग्रेन्स को मीन्स जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस से या कुछ वो कलेक्ट करते रहेंगे उससे वो कुछ इस तरह पीसते भी रहे होंगे तो हमको कुछ क्वांस के भी प्रमाण मिलते हैं मिडिल फेज से. और मोर देन 90% आर वेस्ट स्टोन्स मिलता है कि ये ज्यादातर यूजफुल नहीं थे क्योंकि वेस्ट की तरह क्योंकि कोई यूजफुल शेप उनमें नहीं मिलता इन टूल्स में तो स्टोन्स को वेस्ट माना गया. ओनली 4.67% आर पैरेलल ब्लेड्स एंड अदर टूल्स. Then others are blunted black tools, scrappers, laminates, stoppages and beauties. तो वो भी जो as usual जो microlithic blades tools होते हैं और जो भी flake tools के साथ यहाँ पर मिलते हैं जिसमें कि scrappers और blunt back blade आते हैं. तो microliths along with the some flake tools are found from phase 1 and 2 and 14 human skeletons are found here in flexed position. तो bent position में मिलते हैं हमको not in extended and in some cases legs were tight and folded backward with head injury. तो यहाँ पर जो बरियल हैं उनमें क्या मिलता है कि जो skeletons हैं उनमें उनको माना जाता है कि उनके जो legs थे उनको पीछे की तरफ बांधा गया था और legs folded हैं legs पीछे की तरफ folded हैं बेंट पोजीशन में है पर लेग्स जो है पीछे की तरफ फोल्डेड है इनको बांधा गया है और हेड पर कुछ कट है. तो हेड फोर हेड पर कुछ कट और लेग्स को इस तरह पीछे की तरफ बेंड करके टाई किया गया है ये शो करता है कि वो कैनिबल्स थे. दिस शोज दैट दे वर कैनिबल्स एट लंगना साइट और वो अपने ही लोगों को खा लेते रहे होंगे मीन्स इस तरह और मीन्स पहले इस तरह वो करते रहोगे. और फौना जो है इंक्लूड करता है वाइल्ड बोर नीलगाय डियर ब्लैक बक कैटल बफेलो एंड राइनोसिरस. तो राइनोसिरस वाइल्ड बोर और इस तरह की तमाम जो हमको वाइल्ड स्पीशीज के साथ कुछ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज के प्रमाण मिलते हैं. तो दिस वाज द यूनिक फीचर ऑफ द लंगनाज साइट. देन वी कम टू सेंट्रल इंडिया.
वेस्टर्न इंडिया से हो गया बागौर, तिलवाड़ा और लंगनाज, देन सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका एंड आदमगढ़, दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट साइट्स, जो कि हमको लोअर पैंथिक में भी भीमबेटका और आदमगढ़ के प्रमाण मिलते हैं, लोअर पैंथिक के भी प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका आल्सो गिव्स द एविडेंस ऑफ मिडिल एंड अपर पैंथिक, एंड हियर आल्सो एट मीसोलिथिक कल्चर इट गिव्स द एविडेंस ऑफ मीसोलिथिक। तो हियर वी गेट द क्लस्टर ऑफ 700 केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। तो भीमबेटका में 700 केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं, और इट इज लोकेटेड एट रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। द केव्स 3F23 वॉज एक्सकवेटेड बाई वी एन मिश्रा, और ज्यादातर जो हमको केव मीन्स मीजोलिथिक कल्चर या उसके पहले अपर या मिडिल या लोअर के जो प्रमाण मिले हैं इस साइड से, वो 3F23 केव से ही मिले हैं, और इसको एक्सकवेट किया था वी एन मिश्रा ने। बाकी सारी केव्स को नंबर किया था वी एस वाकंकर ने, बट 3F23 केव को वी एन मिश्रा ने एक्सकवेट किया था। एंड माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री शोज डेट ऑफ 5000 BC। थ्री ग्रुप्स ऑफ एविडेंसेस आर फाउंड। फर्स्ट ग्रुप शोज नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स, देन सेकेंड ग्रुप शोज ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स लाइक ट्रेपीजियस एंड ट्राइंगल्स एंड विद नो पॉटशर्ड्स, बट थर्ड ग्रुप शोज पेंटेड व्हील मेड पॉटरी। तो यहाँ पर अगेन वी गेट द एविडेंस ऑफ नियोलिथिक कल्चर एंड ऑल्सो ऑफ द कॉपर एंड ब्रॉन्ज कल्चर। तो ये एक मीजोलिथिक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बिकॉज हियर वी गेट द कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड पेंटेड व्हील मेड पॉटरी, बिकॉज अर्ली पॉटरी जो थी वो हैंडमेड पॉटरी होती थी, बट हियर वी गेट द व्हील मेड पॉटरी, एंड व्हील मेड पॉटरी वेयर फर्स्ट मेड ड्यूरिंग द लेट नियोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड में ही बनाई गई, जो कि सिविलाइजेशन बेस्ड था, तो इसलिए यहाँ पर ये मीजोलिथिक कल्चर से बिलोंग नहीं करता थर्ड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप तो बिलोंग करता है, बिकॉज हियर वी गेट ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स अलोंग विद एंड विद नो पॉटशर्ट, पॉटशर्ट्स नहीं मिल रहे हैं अर्ली साइड्स में, जैसे कि वेस्ट इंडिया में पॉटशर्ट्स मिल रहे थे अलोंग विद माइक्रोलिथ, बट हियर नो पॉटशर्ट्स, बट ओनली इन थर्ड ग्रुप वी गेट द पॉटरी रिमेन्स दैट वॉज व्हील मेड पॉटरी। देन माइक्रोलिथ्स वेयर ऑफ लार्ज साइज, यहाँ पर लार्ज साइज के माइक्रोलिथ्स, बागौर में टीनियस माइक्रोलिथ्स थे, बट हियर वी गेट द लार्ज साइज माइक्रोलिथ ऑफ 3 to 4 cm इन लेंथ अलॉन्ग विद द फ्लूटेड कोर्स एंड पैरेलल साइड ब्लेड्स। न्यूमरस बुरल्स वेर ऑल्सो फाउंड विद माइक्रोलिथ बट इन एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड फॉर्म। तो यहाँ पर बहुत ही टूटी फूटी बोन्स मिली हैं, स्केलेटन्स मिले हैं, और माइक्रोलिथ फॉर द फर्स्ट टाइम शो शिफ्ट ऑफ रॉ मेटीरियल टू चालसीडोनी एट मीसोलिथिक लेवल इन भीमबेटका। तो जो अर्ली हमको फेजेस मिलती थी मीन्स ड्यूरिंग द लोअर पैलोथिक एंड मिडिल एंड अपर पैलोथिक, देर वॉज नो चेंज इन रॉ मटेरियल इन भीमबेटका, जबकि मिडिल पैलोथिक की जो दूसरी साइड से उनमें चैल्सीडोनी और फ्लिंट पे बन रहा था टूल, बट भीमबेटका में ही ओनली क्वार्ट्स पर बन रहा था, क्योंकि क्वार्ट्स एक लोअर पैलोथिक रॉक मानी जाती है, कि उसी समय क्वार्ट्स पे ही बनाए जाते थे, क्वार्ट्जाइट पर, क्वार्ट्जाइट रॉक पर ही बनाए जाते थे टूल्स ड्यूरिंग द लोअर पैलोथिक, बट इन भीमबेटका ओनली एट द अपर पैलोथिक मीन्स जो टूल्स थे वो स्टील क्वार्ट्स पर ही बनाए जा रहे थे, जबकि दूसरे साइड्स पर क्वार्ट्स पर नहीं बनाए जा रहे थे। बट एट द केस ऑफ इन द केस ऑफ मीजोलिथिक कल्चर, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस भीमबेटका साइट शोज चेंज इन रॉ मटेरियल टू चालसीडोनी, पर यहाँ पर हमको क्वार्ट्जाइट में ना मिलकर चालसीडोनी में मिलते हैं टूल्स। इट इज अज्यूम दैट एन अटेम्प्ट टू बिल्ड वॉल बाय पिलिंग ऑफ स्टोन्स अप टू हाइट ऑफ अबाउट 3 feet नियर द माउथ ऑफ केव वॉज मेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स यूनिक फीचर मिलता है हमको मीजोलिथिक इंडिया जो कि भीमबेटका से, ये है विंड ब्रेक। विंड ब्रेक मीन्स माना जाता है कि वो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया होगा जो केव माउथ पर, तो जो केव मान लीजिए यहाँ पर केव और ये केव माउथ है, तो केव माउथ पर ही 3 feet का कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने वॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया था, और माना जाता है इट इज एज्यूम दैट इट वॉज यूज एज ए विंड ब्रेक, ये विंड ब्रेक के रूप में यूज किया जाता रहा होगा, तो विंड को रोकने के लिए यूज किया जाता रहा होगा, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमको भीमबेटका में मिलता है।
हाइट की एक वॉल मिलती है जो कि उन्होंने कुछ स्टोन्स को इकट्ठा कर बनाई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भीमबेटका केव का। और दूसरा तो रॉक पेंटिंग्स या केव पेंटिंग्स तो यहाँ पे मिलती ही है भीमबेटका से। देन आदमगढ़ आता है। आदमगढ़ इज अ ग्रुप ऑफ 9 रॉक शेल्टर। इट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। एंड एविडेंसेस आर माइक्रोलिथ्स कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद पॉटरी। हियर वी गेट नो पॉटरी विद माइक्रोलिथ्स, बट हियर इन केस ऑफ आदमगढ़ वी गेट द पॉटरी फ्रेगमेंट्स एसोसिएटेड विद माइक्रोलिथ्स एंड रिच एनिमल रिमेन्स आर फाउंड। 14 डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड इन आदमगढ़ साइट। डॉग, बफेलो, गोट, शीप, पिग। देन टूल्स इंक्लूड लूनेट्स, ट्राइंगल्स, ट्रेपीजियस। जैसा कि सारे माइक्रोलिथ्स ही मिलते हैं और इसमें भी ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स हैं, ब्लंटेड बैक ब्लेड है और कुछ मेटल पैरिथिक लाइक स्क्रैपर्स, बोरर, ब्यूरिन्स वेर आल्सो फाउंड। तो फ्लेक टूल्स भी मिलते हैं अलॉन्ग विद द माइक्रोलिथ्स। देन कम टू द नॉर्थ इंडिया साइड, सराय नाहर राय। सेवरल रॉक शेल्टर्स एलिवियल साइट्स विद पेंटिंग्स वेयर रिकॉर्डेड। तो सराय नहर ग्रुप माना जाता है बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल साइट्स। तो इसमें मोरहाना पहाड़, चोपानी मांडो, दमदमा और इस तरह तमाम साइट्स आती हैं। तो इसलिए यस पॉटरी स्टार्टेड मीन्स हैंडमेड पॉटरी वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द अर्ली न्योलिथिक पीरियड। और इसीलिए यहाँ पे मीसोलिथिक में लेट मीसोलिथिक एंड अर्ली न्योलिथिक वी गेट द पॉटरी। एंड व्हील मेड पॉटरी वॉज फर्स्ट मेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पॉटर्स व्हील वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो व्हील मेड पॉटरी वॉज मेड ड्यूरिंग द हड़प्पन, वाइल द हैंडमेड पॉटरी वॉज मेड ड्यूरिंग द लेट मीसोलिथिक और ड्यूरिंग द होल नियोलिथिक पीरियड। ओके, इज इट क्लियर प्रांजल? ओके, तो सराय नहर राय इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल साइट्स एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ वेरियस साइट्स एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इन गंगेटिक प्लेन ऑफ विंध्य माउंटेन रेंज। तो सराय नहर ग्रुप एक ग्रुप ऑफ साइट्स हैं जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है और ये गंगेटिक प्लेन है गंगा का और विंध्य माउंटेन रेंज है। साइट्स जो कि क्योंकि ये ग्रुप कहा जा रहा है तो इसमें बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें मुरहाना पहाड़ है, बगई खोर है, लिखनिया, चुपानी मांडो, महादहा, दमदमा, घघरिया एंड सराय नहर राय। तो सराय नहर राय नाम की भी एक साइट है और इसमें तमाम और भी साइट्स हैं और ये पूरा मिलाकर एक ग्रुप बनाता है। फर्स्ट इज द सराय नहर राय। सराय नहर राय इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दीज साइट्स। हियर वी गेट द एविडेंस ऑफ अ लिविंग फ्लोर ऑफ 5 x 4 मीटर विद द फोर पोस्ट होल्स ऑन फोर कॉर्नर्स। तो फोर कॉर्नर्स पर 4 पोस्ट होल्स मिले हमको और ये माना जाता है कि ऐसा कुछ एक हैबिटेशन स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया होगा। एक लिविंग फ्लोर मिलती है और फ्लोर इज मेड बाय बर्नड क्ले लम्प्स मीन्स मिट्टी को पकाकर उन्होंने उसको जलाकर कुछ क्ले लम्स बनाकर ही उसको फ्लोर को मीन्स बनाया होगा। और कुछ फायर हर्ट्स भी मिलते हैं। फायर हर्ट्स भी मिलते हैं हमको यहाँ पर इस लिविंग फ्लोर पर सम विद द चार्ड बोन्स नियर देम। और यहीं पर कुछ जली हुई हड्डियां भी मिलती हैं। तो इस तरह ये शो करता है कि एक लिविंग सेटलमेंट रहा होगा जहां पर वो सेडेंट्री लाइफ रहते होंगे और कुक करके खाते रहे होंगे। दिस मींस ये ऐसा हमको मिलता है बिकॉज ऑफ दीज एविडेंसेस। देन फौना इंक्लूड शीप, गोट, कैटल, एलिफेंट एंड टर्टवाइज एंड मोस्ट आर द डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज। इसमें ज्यादातर डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज है। 13 ह्यूमन बरियल्स आर फाउंड इन एक्सटेंडेड फॉर्म। यहाँ पर एक्सटेंडेड मीन्स मोस्ट ऑफ द मीजोलिथिक फेजेस में आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में ही मिलते हैं जबकि जो लेटर नियोलिथिक या जो चालकोलिथिक फेज की जो फेज होती है उनमें ही हमको फ्लेक्स पोजीशन में मिलता है। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड पोजीशन में ही मिल रहा है विद हेड टुवर्ड्स द वेस्ट एंड इन वन ऑफ दीज अ माइक्रोलिथ वाज पियर्स्ड इन रेप। तो यही शो करता है इंटर ग्रुप वॉरफेयर।
तो ये जो सराय नहर राय साइट से हमको एक स्केल्टन में माइक्रोलिथ मिलता है और माइक्रोलिथ इज पियर्स इन रिफ्ट एंड दिस शोज दैट जो किसी उस ह्यूमन को मारा गया होगा मींस वार हुई होगी और उसमें इस तरह उसको वेपन से मारा गया होगा जिसमें कि एक माइक्रोलिथ अटैच था और वो माइक्रोलिथ जाकर उसकी रिब में घुस जाता है। तो इस तरह वो इंटर ग्रुप वारफेयर के एविडेंसेस हमको मिलते हैं फ्रॉम सराय नहर राय बिकॉज ऑफ फाइंडिंग ऑफ दिस स्केलेटन वन ऑफ स्केलेटन जिसमें कि 13 ह्यूमन बुरियल्स में एक में ऐसा पाया गया है। टूल टाइप्स आर टोटल 168 माइक्रोलिथ्स आर रिपोर्टेड एंड मोस्ट ऑफ देयर कलेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस। ज्यादातर ये सरफेस से कलेक्टेड है व्हाइल अदर्स विद द हैबिटेशनल डेब्रिस दीज आर ब्लेड्स ट्रायंगल्स ट्रेपीजियस लूनेट्स। जैसा कि सभी आपको माइक्रोलिथिक साइट में मीजोलिथिक साइट में ये सारे टूल्स तो मिल ही जाते हैं। कुछ एकाद में ही डिफरेंस होता है बट ऑल दिस आर द सेम। देन इट शोज देयर इज अ माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री विद सम प्लेग टूल टाइप्स क्योंकि यहाँ पे बोरर ब्यूरिन भी मिल रहा है तो बोरर और ब्यूरिन भी मिलता है। दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कि कुछ प्लेग टूल्स के साथ हमको माइक्रोलिथिक टूल्स मिलते हैं। वन पॉट इज ऑल्सो फाउंड विद द बरियल विच इज इल फायर्ड एंड क्वाइल स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ पे इल फायर्ड और क्वाइल स्ट्रक्चर हमको एक पॉट मिलता है और इंटर ग्रुप वारफेयर तो बताया है कि यहाँ पर रिप में एक माइक्रोथ पाया गया एक स्केल्टन में दैट इज इट शोज द इंटर ग्रुप वारफेयर जो कि रॉक पेंटिंग्स में उन्होंने कहीं कहीं बनाया हुआ है और एक ह्यूमन स्केल्टन भी ये शो करता है। तो कुछ रॉक पेंटिंग्स और एक ह्यूमन स्केल्टन जो ये पाया गया ये शो करते हैं कि वहां इंटर ग्रुप वारफेयर हुआ होगा और डेट इज 8395 मीन्स ओल्डेस्ट डेट है ये इसकी सराय नहर राय की। ओके देन मोराना पहाड़ आता है। मोराना पहाड़ इज अ रॉक शेल्टर 70 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मिर्जापुर। टू लेयर्स आर एक्सकेवेटेड माइक्रोलिथ्स फाउंड इन बोथ लेयर्स व्हाइल पॉटरी इज फाउंड इन यंगर लेयर। तो अर्ली लेयर में जो ओल्डेस्ट लेयर है उसमें पॉटरी नहीं मिलती बट इन लेटर लेयर वी गेट द पॉटरी। इट शोज दैट अर्ली लेयर मीजोलिथिक प्योर म्यूजोलिथिक रही होगी बाद में वो नियोलिथिक फेज डेवलप हो गया होगा जिसमें कि हमको पॉटरी मिलती है एंड माइक्रोलिथ्स आर लिनेट्स ट्रेपीजियस पॉइंट्स एंड ब्यूरिन। तो इस तरह हमको यहाँ पर भी यही ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स अलोंग विद सम नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स या फ्लेक टूल्स मिलते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट साइड बघाई खोर इन मोरहाना पहाड़ रीजन। ये मोरहाना पहाड़ रीजन में है बघाई खोर। यहाँ पर भी माइक्रोलिथ्स विद पॉटशर्ट्स मिलते हैं। ये छोटी छोटी साइट्स है तमाम पूरा सराय नहर ग्रुप में। तो इस तरह यहाँ पर भी हमको यही मिलते हैं माइक्रोलिथ्स विद पॉटशर्ट। देन लेखनी आता है इट्स ऑल्सो रॉक शेल्टर एंड हियर वी गेट बोथ ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक आर फाउंड विद पॉटशर्ट बोन टूल्स बीड्स रॉक एंड रिंग स्टोन। तो रिंग स्टोन शो कर रहा है इट मीन्स ये अर्ली नियोलिथिक भी यहाँ पर आ गया है। देन चोपानी मांडो एक साइट है। ये ओपन एयर एलुवियल साइट है रिवर बेलन पर जो कि 70 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ इलाहाबाद। थ्री फेजेस आर आइडेंटिफाइड अर्ली मीजोलिथिक ए बी एंड एडवांस मीजोलिथिक और प्रोटो नियोलिथिक। ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोलिथ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ एंड नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ अलोंग विद प्लेक टूल्स आर फाउंड फ्रॉम ऑल दीज फेजेस। इन ऑफ दीज थ्री फेजेस अर्ली मीसोलिथिक बी शोज बर्न क्ले लम्प्स एनिमल वोन्स हैमर स्टोन्स एंड मिल्सलिंग बॉल्स एंड ऑन द फ्लोर फोर सर्कुलर हट फाउंडेशन वेयर फाउंड। तो ये भी एक हैबिटेशन स्ट्रक्चर था चोपानी मांडो। चोपानी मांडो में भी वहां पर लिविंग साइट्स के एविडेंस मिलते हैं अलॉन्ग विद सम माइक्रोलिथ्स। देन घघरिया रॉक शेल्टर है और यहाँ पर केव और वॉल पेंटिंग्स मिलती हैं। घघरिया रॉक शेल्टर वी गेट द केव एंड वॉल पेंटिंग्स इन सीधी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड ऑन कैमूर रेंजेस फेसिंग रिवर सोम। देन दमदमा इज द नेक्स्ट साइट एंड इट इज इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट नॉट फार फ्रॉम महादहा अनदर इम्पोर्टेंट अकरेंस। ये महादहा से ज्यादा दूर नहीं है और ये भी यहाँ पर चार डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ बर्ड क्लेलम्स सारे वैसे ही प्रमाण है जो हमको सभी मीजोलिथिक में लगभग सेम यही सब मिलते हैं। चार्ड एनिमल बोन्स हर्स वेयर फाउंड। माइक्रोलिथ्स आर प्री पॉटरी एंड ज्योमेट्रिक टाइप मीन्स पॉटरी के एविडेंसेस नहीं है। ऑल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स आर फाउंड मीन्स लूनेट्स ट्रेपीजियस ट्रायंगल्स
एंड अलॉन्ग विद नॉन ज्योमेट्रिक ट्रंकेटेड ब्लैंक प्लेट्स मिलते हैं विद फ्लेक टूल्स लाइक स्क्रैपर्स बोरर्स एरोहेड्स एक्सेट्रा सेवरल बोन ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंडेंट्स बैंगल्स अलॉन्ग विद क्वांस एंड मूलर्स इनसे जो पीसने का है ये मिला है यहाँ पर हमको ग्रेन्स को पीसने के लिए एनिमल्स मिले हैं एटसेट्रा सम चार्ड बोन्स मिले हैं एनिमल्स की लाइक कैटल गोट डियर वर फाउंड तो जो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज थी उन्हीं को एज ए मीट खाते रहे होंगे ये शो करता है क्योंकि चार्ड बोन्स इस तरह के एनिमल्स की मिली है यस यस प्रांजल दीज एविडेंसेस कवर ऑल द फोर लेयर्स Then come to Eastern India sites. Eastern India sites में जो main sites हैं these are कुछ ही वीरभानपुर बुर्धवान बांकुरा and पुरुलिया कुछ ही इसमें उड़ीसा से है और वीरभानपुर जो है ये वेस्ट बंगाल बुर्धवान बांकुरा and पुरुलिया these are from West Bengal. बिहार से भी एक पैकरा site था पैसरा जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है देन कुछ ही से जो डिस्ट्रीब्यूशन ये उड़ीसा का है मींस इट इज फाउंड इन उड़ीसा इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा एंड एविडेंस आर लार्ज साइज मैक्युलस विदाउट एनी सिरेमिक तो यहाँ पर कोई भी पॉटरी या पॉटशर्ट्स नहीं मिले हैं एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ब्लैक क्लोराइड स्टोन और फॉसिल वुड तो इस तरह हमको जो है माइक्रोलिस के प्रमाण मिलते हैं और जो स्टोन है वो दैट इज ब्लैक क्लोराइट स्टोन या फॉसिल वुड पर मिलता है टूल्स वीरभानपुर इज अनदर साइट इन दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल ऑन रिवर दामोदर एंड इट वाज एक्सक्वेटेड बाय बीबी लाल इन 1957 हियर द एविडेंसेस आर माइक्रोलिस ऑन द टॉप लेयर पोस्ट होल्स आर फाउंड So again, it gives evidence of habitation structure, but no hearths are found. Habitation structure है पर hearth नहीं मिल रहा है means cooking oven नहीं है bones नहीं मिलते हैं उनके साथ means charred bones के evidence नहीं मिल रहे हैं और animal burials भी नहीं मिल रहे हैं तो lunates यहाँ पर ये कुछ conspicuous माना जाता है कि क्यों means living sites तो है पर इस तरह के प्रमाण क्यों नहीं मिल रहे हैं ऐसा समझ में नहीं आता है पर ऐसा यहाँ पर मिला मीन्स नो पोस्ट होल्स आर फाउंड बट नो हर्स एंड बोन्स एंड एनिमल ब्यूरोस आर फाउंड ल्यूनेट्स आर द मेन माइक्रोलिथ्स जो माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं टॉप लेयर पर वो उसमें ज्यादातर ल्यूनेट ही है जबकि दूसरे जो ट्राइंगल्स और ट्रेपीचेस वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं और कुछ 40% इंडस्ट्री शोज द फ्लेक टूल्स अब 60% इसका मतलब माइक्रोलिथ है और उनमें भी ल्यूनेट्स मेन माइक्रोलिथ है दूसरे माइक्रोलिथ जो ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ यहाँ पर नहीं मिलते हैं स्क्रैपर्स बोरर्स ब्यूरिंस फ्लेक टूल्स मिलते हैं इट शोज दैट इट वाज एन आर्काइक फ्लेक टूल इंडस्ट्री डोमेस्टिकेटेड बाय फ्लेक टूल्स तो ये एक अर्ली फ्लेक टूल इंडस्ट्री रही होगी जिसमें की फ्लेक टूल्स के द्वारा ये डोमिनेट हो गई Then come to Burdwan, Bankura and Purulia and these are in West Bengal. Micro is found in association with black and red ware pottery. So, यहाँ पर Neolithic pottery के प्रमाण मिलते हैं. Means microliths in association with these pottery. Ring stones भी मिलता है जो कि Neolithic tool है and iron कुछ मिलते हैं जिसमें कि माना जाता है कि metal age की शुरुआत तो Neolithic से ही हो गई थी पर late Neolithic से पर बाद में चालकोलिथिक और आयरन एज तक ये साइट्स में हमको प्रमाण मिले होंगे मींस इवॉल्व करके ये आयरन एज तक गया होगा ऐसा प्रमाण मिलता है बिकॉज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दीज एविडेंसेस देन कम टू द साउथ इंडिया साइट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोलिथ अकरेंस फ्रॉम दिस जोन कम फ्रॉम कर्नाटका तो कर्नाटका से सबसे ज्यादा माइक्रोलिथिक के अकरेंस मिलते हैं हमको साउथ इंडिया से और जो मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो है टेरी साइट्स टेरी साइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ 11 साइट्स इट्स अ ग्रुप ऑफ 11 साइट्स जो कि तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के तिन्नेवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु वी गेट द एविडेंस ऑफ टेरी साइट्स एंड हियर 11 साइट्स आर ग्रुप्ड टूगेदर along fossilized sand dunes जिसमें कि
मेघना मेघनन पुरम है, कुट्टम पुली है, कुथन पुली है, सोयरे पुरम है, कटलन कुलम, कुलातुर, उत्तन तरुवाई, सुरंगुड़ी, नाजरेत, मानाडू एंड कायमोली। तो दीज आर द 11 साइट्स एंड दीज आर ग्रुप टुगेदर एज नोन एज टेरी साइट्स इन तिलेवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। द माइक्रोलिथ्स हियर वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फूटे, रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा ही यहाँ पर शुरू मीन्स सबसे पहले माइक्रोलिथ्स उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड अयप्पन लेटर कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द साइट साईपुरम, साईपुरम से उन्होंने अयप्पन ने माइक्रोलिथिक टूल्स और कुछ आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट किया। एंड फाइनली ज्यूनर मेड अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ ऑल दीज 11 साइट्स। तो ज्यूनर ने फाइनल रिपोर्ट बनाई और सबसे पहले फूटे ने इसको डिस्कवर किया माइक्रोलिथ्स। Evidences are most primitive layers found. Most primitive layers are found. Tools were made on chalcedony, quartz, and fossil wood. So these are the raw materials on which they made microliths. Units prepared on flake along with variety of flake tools. So big size of यहाँ पर हमको tools मिलते हैं, microliths मिलते हैं जो कि थोड़ा big है, वो flakes पर बनाए गए हैं। और बोरर क्यूरिन जो कि flake tools मिलते ही है यहाँ पे, arrowheads मिलते हैं, back plates, pen knives, all these are tools. Along with the microliths, it shows similarity with the Sri Lankan microlith, Bandarwala site in Sri Lanka. तो बंदरवाला साइट इन श्रीलंका, श्रीलंका की एक साइट है बंदरवाला और उससे थोड़ा सा ये सिमिलरिटी शो करते हैं टेरी साइट्स के माइक्रोलिथ्स, स्पेशली इन ट्रेडिशन ऑफ बाईफेशियली प्रेशर फ्लेक पॉइंट। तो बाईफेशियली प्रेशर फ्लेक पॉइंट्स आर वेरी सिमिलर टू दिस बंदरवाला साइट फ्लेक टूल्स ऑफ श्रीलंका। ये शो करता है, ये मींस इन एविडेंसेस से पता चलता है। देन नेक्स्ट इज सोरापुर दोआब रीजन बिटवीन कृष्णा एंड भीमा रिवर्स और ये इट इज इन कर्नाटका। एंड एविडेंसेस आर मोर देन 10,000 टूल्स आर फाउंड, 25 माइक्रोलिथिक साइट्स वेर डिस्कवर्ड बाय पडैया, पडैया के द्वारा 25 माइक्रोलिथिक साइट्स यहाँ पर सोरापुर दोआब रीजन से उन्होंने इसको डिस्कवर की, एक्सकेवेट की। स्लेंडर एंड लॉन्ग माइक्रोलिथ्स आर फाउंड, ट्राइंगल्स, ट्रेपेजियस आर एब्सेंट, अदर ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स अलोंग विद फ्लेक टूल्स आर फाउंड, मींस जितने लूनेट्स और लूनेट्स पाए गए, ट्रेपेजियस एंड ट्राइंगल्स तो एब्सेंट है। देन संगन कल्लू एक साइट आती है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में और देन इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई सुब्बा राव इन 1949। In 1965 to 66, Sankalia excavated on the foot of a hill. तो इसको इसके हिल के फुट से उनको उन्होंने इसको एक्सकवेट किया और सबसे पहले 1949 में सुब्बा राव ने इसको एक्सकवेट किया था। यहाँ पर बहुत सारे ल्यूनेट टूल्स पाए जाते हैं अलॉन्ग विद द ब्लेड टूल्स आइडेंटिफाइड, ब्लेड टूल्स वे आर नॉट फाउंड। Here we have map of Mesolithic sites in India. Here first is Theri sites. Theri sites देखते हैं, जैसा कि ये सारा जो 11 sites हमने बताया वो सारा यहाँ पर कुछ Theri sites यहाँ पर शो कर रहा है तमिलनाडु में 11 sites। और यहाँ पर देखते हैं Mesolithic sites in India, उसमें जो वेस्टर्न इंडिया में तिलवाड़ा देखा था राजस्थान में हमने और लंगनाज गुजरात में, लंगनाज गुजरात में, तिलवाड़ा राजस्थान और एक बागौर साइट है ये भी राजस्थान की है। तो ये तीन साइट्स हो गई। इसी तरह जब साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर टेरी साइट्स हैं तमिलनाडु में और संगन कल्लू है कर्नाटका में। एंड देन जो मिडिल इंडिया में आते हैं सेंट्रल इंडिया में तो देयर इज आदमगढ़ साइट, केव साइट एंड भीमबेटका। देन कम टू द यूपी, उत्तर प्रदेश, सराय नहर राय, दमदमा, महादहा, लेखनिया, बघई कोर, चोपानी मांडो, मुरहना पहाड़। तो दीज आर द सराय नहर ग्रुप साइट कहते हैं इनको और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्यन रेंज में, विंध्य हिमाचल, विंध्य माउंटेन रेंज पर है। देन यहाँ पर कुछ ही आता है उड़ीसा का, वीर भानपुर इन वेस्ट बंगाल, पैसरा इन बिहार। So these are the some sites from west means east India. So east India, north India, west India and south India से ये सारे mesolithic sites हमको मिलते हैं।
Thank you very much. This was all about the Mesolithic culture of India. And thank you, Pranjal, for joining this class. Meet you in next class. Thank you. Meet you in next class. Thank you, Pranjal.